सबसे पहला काम कि आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट देना है, कंप्लीट करना है, जिसमें आपको पूरा नाम डालना है, आपको अपने पैन कार्ड के आधार पे फादर्स नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर बतानी है, मैरिटल स्टेटस बतानी है कि आप शादीशुदा हो, सिंगल हो या कोई और। इसके बाद फर्स्ट स्टेप को जब कंप्लीट करोगे तो दूसरा सेगमेंट आता है फाइनेंशियल बोरोवर्स का। यहाँ पे आपको अपने काम काज से रिलेटेड या ये कहा जाए पैसों से रिलेटेड जानकारी देनी है, जो भी आपके जीवन में पैसों से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि दोस्तों आज की तारीख में जहां पे हर किसी को पता है कि हर एक चीज जो पॉसिबल है वो मोस्टली पैसे से ही पॉसिबल है, ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है कि अगर आपको कहीं ना कहीं खुश भी रहना है तो भी आपके पास पैसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा पैसों की वजह से ही आती है, पैसों के ना होने की वजह से आती है, ये आप कह सकते हो। तो आज की तारीख में जो आपको आपको पता है कि जो आप सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हो, चलो मान लो कि आपकी सैलरी कितनी ही ज्यादा अच्छी है, इमरजेंसी कंडीशन कभी बता के नहीं आती, प्रॉब्लम्स कभी बता के नहीं आती, ये चीज आप भी जानते हो। अब ऐसे में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लोन लेना है, या मान लो कि नौकरी ही छूट गई किसी तरीके से, काम ही नहीं चल रहा, 2 महीना 3 महीना घर पे रह गए, क्या करें अब इसके लिए? तो भाई आपको ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब आपकी नौकरी छूट गई, पैसे आने बंद हो गए तो आप जीना ही बंद कर दोगे? आपको खाना तो है ही, आपको कहीं जाना तो है ही, आपको काम तो करना है ही, बहुत सी चीजें होती है इसमें, एक्सपेंसेस लगते हैं। अब ऐसे में अगर पैसा चाहिए तो पैसा आए कहाँ से? ऊपर से इमरजेंसी कंडीशन आए तो भाई वही बात कंगाली में आटा गीला जैसी भी बात हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कमाल के लोन एप्लीकेशन से, जो ज्यादा तो नहीं पर आपको मिनिमम से मिनिमम लोन अमाउंट अच्छा खासा देने की कोशिश करेगा, जो एटलीस्ट 5,000 10,000 15,000 20,000 के रेंज में होगा, जो आपको एटलीस्ट जो आपकी मुसीबत है उस टाइम से आपको उबार सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको पे समय से नहीं किया तो फिर दिक्कत फिर आपको भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो पैसा मिला है वो कहीं ना कहीं से आपको किसी ने फ्री में दे दिया है। आप ये समझो कि आप लोन ले रहे हो, और लोन का मतलब यही होता है कि अगर आपने पैसा लिया है उधार पे तो उसमें ब्याज लगाकर कंप्लीटली पैसा वापस कर दो। इसी चीज को जानेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से कौन से एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हो, और सबसे पहले उस लोन एप्लीकेशन से हम आपको लोन लेके ही दिखा देंगे, और लोन अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा कि ये एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इंस्टॉल कैसे करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। इस एप्लीकेशन का नाम है नेक्स्ट फिन ऐप। इस एप्लीकेशन से आज हम लोन अप्लाई करने वाले हैं, जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है इस एप्लीकेशन में और प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको नीचे मिलता है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, इस पे आपको चले जाना है, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट परमिशंस है जैसे कैमरा एंड स्टोरेज एंड जो बाकी चीजें हैं वो आपको टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप करना है। अब देखो अगर आपका खाता होगा ऑलरेडी तो आप लॉग इन भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट टाइम ही आप इस नेक्स्ट फिन ऐप में आए हो, तो मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के कन्फर्म लॉगिन पे जाना है। सबसे पहला काम कि आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट देना है, कंप्लीट करना है, जिसमें आपको पूरा नाम डालना है, आपको अपने पैन कार्ड के आधार पे फादर्स नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर बतानी है, मैरिटल स्टेटस बतानी है कि आप शादीशुदा हो, सिंगल हो या कोई और। इसके बाद फर्स्ट स्टेप को जब कंप्लीट करोगे तो दूसरा सेगमेंट आता है फाइनेंशियल बोरोवर्स का। यहाँ पे आपको अपने काम काज से रिलेटेड या ये कहा जाए पैसों से रिलेटेड जानकारी देनी है, जो भी आपके जीवन में पैसों से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि इसके अंदर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड प्रोफेशन हो, ठीक है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, पैसा किस माध्यम से आप तक आता है, किस बैंक में आता है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की ईमेल आईडी क्या है, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो, वर्किंग एक्सपीरियंस कितने करंट कंपनी में जो है कितने साल का हो गया, कितने महीने का हो गया, टोटल काम का उसका एक्सपीरियंस कितना है, जैसे और तमाम बातें बताकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दूसरे स्टेप पे आ जाओगे जहां पे आपको अपना जहां पे भी आप लोग रहते हो उसके एड्रेस को कन्फर्म करना है, जिसके लिए आपका फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, एरिया, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, शहर का नाम, स्टेट, राज्य, करेंट रेजिडेंस टाइप, जैसे आप खुद के घर में रहते हो या आप रेजिडेंस पे रेंट पे रहते हो, जिस जगह रह रहे हो वहां पे कब से रह रहे हो, वो बताते हुए आपको आगे बढ़ना है। दूसरा चीज आपको अपनी ऑफिस एड्रेस बताना है जहां पे आप काम करते हो, ये देख रहे हो ना सेकंड ऑफिस में, तो जहां पे भी आप लोग काम करते हो वहां पे उसका वर्क एड्रेस आपको बताना होगा। इसके बाद आपको तीसरा स्टेप में आते हो है केवाईसी डॉक्यूमेंट, जहां पे आप जो भी आपकी केवाईसी है, जैसे आपको अपनी सेल्फी देनी है, सेल्फी देते वक्त याद रहे टोपी, चश्मा, मास्क के सब मत पहनना, बैकग्राउंड काफी सिंपल होना चाहिए, लाइट्स अच्छी आनी चाहिए, आईडी प्रूफ में पैन कार्ड को भी अपलोड कर देना है, आधार कार्ड को भी वेरीफाई कर लेना है, इसके बाद नेक्स्ट पे आना है, फिर जो भी आपके इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया 3 महीने का वो देना है, और बैंक अपॉइंटमेंट लेटर या सैलरी स्लिप जैसी तमाम चीजें अगर मांगी जाए तो देकर आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कौन कौन सी चीज को प्रोसेस किया गया है, कौन कौन सी चीजें फेच हो गई है। अब आपको अपने लोन ऑप्शंस को देखना है कि
इसके आधार पे आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही में लोन चुकाने का समय भी आपको मिल जाएगा लोन टर्म्स के नाम पे। ईएमआई आपकी हर महीने की कितना बनेगा, अगर आप लिए गए लोन पे इसमें इतने दिन के लिए लोन लेते हो उसका ब्याज कितना बनेगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। लोन सोच समझ के चूज करना, जितना आप चुका पाओ जो आपको वार्डनना पड़े, और समय भी उतना चूज करना जिसमें आप कंप्लीटली लोन को खत्म ही कर दो, ठीक है। उसके बाद चेक लोन डिटेल्स पे आपको जाना है, रेफरेंस में लोगों के नाम देने हैं जैसे कि टाइटल, मिस्टर मिसेज जो भी है, पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका रिलेशनशिप क्या है आपसे ये बताते हैं, और 2-3 रेफरेंस देकर कंप्लीट करेंगे। फिर लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा, और मेरे सबसे ऑटोमेटेड सेटिंग कंप्लीट करनी होगी, सेटअप कंप्लीट करना होगा, जैसे आपके हर महीने जो ईएमआई का पैसा है वो ऑनलाइन कटे, और उसके बाद लोन प्रोसेसिंग में लग जाएगा जहां तक मुझे पता है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले लोन अप्लाई करके बताएंगे, और लोन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद आप लोग कैसे उस एप्लीकेशन को पाओगे इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में भी नाम लिख के बता सकते हो। तो बता दे आपको, जैसे ये वीडियो वॉच कर रहे हो जो टाइटल है वीडियो का, इस पे जब क्लिक करोगे, जैसे इसी वीडियो की जो आप अभी देख रहे हो वीडियो, उसके टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है, इसके अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पे ही जाना है, क्लिक करते आप पहुंचोगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तमाम तरीके की कंटेंट की लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि कोई यहाँ पे एक प्रकार के लोन नहीं होते हैं, या एप्लीकेशन से लोन है तो एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा, पर्सनल लोन है तो पर्सनल, अलग तरीके के भी लोन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक से भी लोन, इवन बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्योंकि लोन ऐप से लोन लेना है तो सर्च पे जाना है, और सर्च पे जाकर आपको यहाँ पे जिस ऐप से हमने लोन लिया है उसका नाम है नेक्स्ट फिन ऐप, इतना सर्च करता है आपको, और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि नेक्स्ट किन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आर्टिकल ओपन होगा जिस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट किन एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट किन ऐप से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट किन ऐप से लोन अमाउंट कितना मिल जाएगा, किस ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर पर लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी हाई जा सकती है, पैसे चुकाने का समय कितना ज्यादा मिल जाएगा, जैसी तमाम जानकारी, और क्यों इस एप्लीकेशन से हम लोन ले ये भी आपको पता चलेगा। साथ ही में एप्लीकेशन को अपने फोन में पाने के लिए लिंक मिल जाएगा, ये एक्चुअली में लिंक है विजिट की, इस पर क्लिक करके सीधा आप जाके एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद ओपन करके लोन को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना, कोई डाउट भी हो तो वो भी कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं।